विराट का मुंडन कराने के लिए। विराट इधर आओ, बताओ आप कहाँ जा रहे हो? मुंडन कराने। मुंडन कराने? आपके बाल पूरे हट जाएंगे। हटवाना अपने बाल, बाल हटवाना है। तो देखिए आज का मौसम भी बहुत ठंडा हो रखा है, संगम पर मिलते हैं आप लोगों से। संगम, और देखिए संगम का नज़ारा। आज कोई स्नान भी नहीं है तभी पे बहुत भीड़ लगी हुई है देखिए, और अच्छी खासी धूप भी निकल आई है। तब घर से निकले तब तो बहुत ज़्यादा वो ठंडी थी और बादल भी थे देखिए। और ए विराट क्या कर, और देखिए सम्राट विराट जैसे ही आए हैं तो लग गए हैं खोदने में। यहाँ इन लोगों को बहुत मज़ा आता है खोदने में। देखिए ये बालू रहती है तो बड़ी आसानी से भी खोद लेते हैं। देखिए मिट्टी सी है बिल्कुल। और ये देखिए संगम का नज़ारा, और ये देखिए विराट का होने लगा है मुंडन, क्योंकि इसके दूसरी बार मुंडन नहीं हुआ था तो यहीं संगम में करवा दिया है। देखिए बैठ गए हैं एकदम शांति से। तो देखिए अच्छे से पूरे बालों को एकदम भिगा दिया है विराट ने, तो पूरा नहा ही लिया था। उसके बाद देखिए इसका मुंडन होने लगा है, तो पूरे बाल ही हटाने के लिए बोल रहे थे। छोड़ा जाता है थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं पूरा ही चढ़ाया जाता है संगम पर जब मुंडन करवाते हैं तो पूरा ही। और देखिए मैंने आटा की लोई में पूरा इनको बालों को लेकर के फिर उसमें बहाएंगे। तो देखिए कितनी शांति से बैठा था, पहले तो शुरू में ये शांत बैठा था, लेकिन जब इसको तो थोड़ा टाइम लग गया है आराम आराम से किया तो फिर बहुत इधर उधर सर हिलाने लगा था। देखिए सम्राट विराट का दोबारा से मुंडन हो रहा है, और सम्राट बैठे थे तो उसको मजाक उड़ा रहे थे कि अब विराट टकला हो जाएगा। तो देखिए कैसे आराम से बैठा हुआ है। तो देखिए मुंडन होने के बाद एकदम ये अपने टकली में इतना हाथ फेरा था, मम्मी मेरे बाल कहाँ गए ये पूछ रहा था। तो देखिए इसका मुंडन हो गया है, और वो हल्दी घी चावल लगा देते हैं तो वो भी लगा देंगे। और नछावर करके देखिए सब लोग खड़े रहते हैं मांगने वाले, तो उन लोगों को दिया। देखिए किस तरह अपनी टकली पर ऐसे हाथ फेर रहा था कि बाल कहाँ गए हैं मेरे, उसको ये हल्दी घी लगा दिया तो और चिपचिपासा लग रहा था। उसके बाद देखिए अब लोई लेकर के और संगम में डालने के लिए जाएंगे। तो देखिए फिर यहाँ कैमल भी ऊँट उठा, तो सम्राट विराट को दोनों को देख गया है देखिए, तो अभी ऊँट की सवारी भी करेंगे। तो आगे जाके जाके आगे भागते ही जा रहा था देखिए, उसी के पास पहुंच जाएगा सीधा, क्योंकि उसने देखा कि देखिए तो अब जब उनके पापा ने मना किया तब रुका। देखिए किस तरह से आगे आगे भागते जा रहा है। और देखिए संगम का नज़ारा, आज कोई स्नान भी नहीं तब भी देखिए बहुत भीड़ है, और इतनी उसके फ्राइडे के दिन आए थे हम लोग, और वीडियो ज़्यादा लेट हो गया है, उस डालने का टाइम ही नहीं मिला है। तो देखिए विराट कितना एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी खासी धूप निकल आई थी और हवा भी चल रही थी, तो ना गर्मी थी ना सर्दी, ये स्वेटर वाटर पहने थे तो गर्मी बहुत लगने लगी थी। और देखिए उसके बाद हम लोग डालेंगे, और ये होने लगी है कैमल की सवारी। तो देखिए सम्राट विराट और उनके पापा बैठ गए हैं। जब ये कैमल उठता है तो तभी डर लगता है एकदम से कि नीचे ना गिर जाएं। तो देखिए कितना एंजॉय, और ऊपर बैठ कर के इतना ऊंचा बैठ कर देख बैठने ऊपर से एकदम अजीब सा देखने, पूरा संगम का नज़ारा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पहले तो एक दो थे, लेकिन अब तो बहुत सारे कैमल आ गए हैं, क्योंकि हर कोई ही कैमल की सवारी करता है और फ़ोटो वगैरह निकलवाते हैं। तो देखिए ये चल दिया है, और ये चलता है तो तब और ज़्यादा लगता है कि जैसे गिरने वाले हों। Thank you.
देखी उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी तो बैठने में, और देखिए इस तरह से चलता है तो ऐसे लगता है जैसे बगल से गिरने वाले हों, लेकिन ऊपर बैठ करके एकदम पूरा संगम का बहुत अच्छे से नज़ारा दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ऊँट की सवारी मैंने पहली बार की है, आज से पहले कभी भी मैं इस पर नहीं बैठी हूँ, आज पहली बार इस पर बैठी हूँ, क्योंकि इनके सम्राट के पापा कहे कि तुम भी बैठ के देखो, जबरदस्ती सिर्फ तो मैं बैठ गई हूँ। लेकिन जब वो बैठता है तो तब बहुत डर लगता है, ऐसे लगता है कि अब जैसे ये गिरने वाला है। तो देखिए अभी बैठ रहा है और इसको बैठने उठने में ज़्यादा परेशानी होती होगी, तो देखिए इस तरह से बैठा हुआ है, देखिए इस तरह से बहुत डर लगता है, एकदम पकड़ी हुई थी बहुत ज़ोरों से। तो देखिए अब हम लोग उतर गए हैं, मुंडन हो गया है और हम लोग एकदम कपड़े सर भी हो गया है डोई डालने के लिए। इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं मेला, तो अभी घूमेंगे नहीं क्योंकि गाड़ी से आए हैं तो बहुत भीड़ लगी हुई है। और ऊंट कैमल की सवारी भी कर ली है हम लोगों ने, और देखिए सम्राट विराट ने आइसक्रीम खा ली है। इसके बाद अब जा रहे हैं घर। और देखिए संगम का नज़ारा कितना अच्छा, अभी माघ मेला चल रहा है तो कितना बहुत ही अच्छी रौनक रहती है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए चारों तरफ संगम कितना अच्छा लग रहा है। और ये आ गए हैं हम लोग जाने, तो देखिए यहीं से मेला स्टार्ट हो जाता है, दुकानें तो यहीं से लगी रहती हैं संगम ही से ही, और आगे जाके देखिए मेला भी लगा हुआ है। तो मेले में भी जाएंगे थोड़े, बस 4-5-6 दुकानों के लिए अंदर, ज़्यादा अंदर नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रखी थी, तो हम लोग केवल जो रोड वाली दुकानें थी अंदर बिल्कुल मतलब बाहर रोड पर गाड़ी लगा करके और थोड़ा ही 4-5-6 दुकानों में देखा था। फिर हमने कहा कभी और कभी आएंगे तो देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी तो इसलिए अंदर तक नहीं गए थे। और ये देखिए हम अभी जा रहे हैं, तो ये देखिए रास्ते में भी दुकानें लगी हुई हैं और देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, क्योंकि माघ मेला चल रहा है तो इस टाइम ज़्यादा भीड़ ही लगी रहती है। और देखिए अभी कोई स्नान भी नहीं है तब भी पे आज इतना ज़्यादा भीड़, जैसे ही धूप निकलती है तो उस दिन ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सर्दी भी थोड़ा कम हो गई थी तो लोग बाग मेला घूमने के लिए संगम देखने के लिए आते हैं, और सबके यहाँ मेहमान भी काफ़ी आते हैं। माघ मेला कम से कम 1-2 महीने तक चलता है, ये जनवरी से शुरू हो जाता है और फरवरी के लास्ट शिवरात्रि तक ही चलता रहता है। तो देखिए ये संगम का नज़ारा और कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। और देखिए हम लोग ये पहुंच गए हैं मेले में, साइड में गाड़ी लगा दी थी उसके बाद देखिए पहुंच गए हैं मेला। तो मेले में भी अभी देखिए थोड़ा अंदर जाकर ज़्यादा भीड़ थी जहाँ झूले वगैरह लगे हुए थे, और देखिए कंबल की दुकानें लगी हुई हैं, कंबल वगैरह मेले में अच्छा सामान मिल जाता है और अच्छा सस्ता भी मिलता है ज़्यादा। तो देखिए अब इस साइड पूरा कंबल वगैरह, और देखिए इधर पान वान की दुकान लगी हुई है और झूले वगैरह खाने वाने की, तो ये केवल बाहर की साइड ही लगा है, अंदर मैन अभी मेले में नहीं गए थे। देखिए झूले वाला अलग लगा रहता है और यहाँ थोड़ी दुकानें भी लगी रहती हैं। सामने जाकर अभी जब मेले में अंदर घुसते हैं तो ज़्यादा वो भीड़ रहती है, देखिए इधर तो आने जाने का ही है, ज़्यादा वैसी भीड़ नहीं है। देखिए गाड़ी वगैरह पार्किंग हो रखी हैं, और अंदर मेले में तो कभी और किसी दिन जाएंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए दिल्ली का मीना बाज़ार लगा हुआ है, तो यहीं से मेला शुरू हो गया है, तो अंदर तक ज़्यादा नहीं गए थे, 5-6 दुकानें ही अंदर मतलब गए थे, ज़्यादा झूले तक ही गए थे। वहाँ सम्राट विराट ने बस खिलौनों, देखिए खिलौने लेने लगे हैं, और यहाँ अच्छा मिल जाता है, देखिए हर माल 50 रुपये में है, अच्छी किफ़ायती। अभी दुकान पर लेने जाते हैं तो कम से कम 50-150 की मिलती हैं, और यहाँ 50-50 रुपये में कोई सा भी खिलौना लीजिए, देखिए बैडमिंटन और JCB वगैरह। तो सम्राट विराट तो इसी में लेने के लिए लग गए थे, और यहाँ साइड में लगी थी देखिए स्टील के बर्तन भी 50 रुपये में थे, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे से, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए हर माल 50 रुपये का, एक थाली पूजा की है और पीतल की छोटी छोटी सी कढ़ाई कैंची चम्मच वगैरह, देखिए कितना सुंदर सामान लगा हुआ है। और इधर बच्चों का लगा था 20 रुपये में हर माल, और 10 रुपये वाला भी था, देखिए साइड में लगा है जो 10 रुपये वाला है। तो मेले में अच्छा खासा कोई भी मतलब अच्छे से मिल जाते हैं कोई भी चीज़, और काफ़ी दिन तक भरा रहता है और इतना बड़ा लगता है कि अभी तो मैंने इसके एक कोने का भी नहीं घूमा है। अभी आप लोगों के साथ अगर घूमेंगे तो देखें दिखाएंगे ना, तो कम से कम 4-5 दिन में ही पूरा, क्योंकि बहुत जगह में लगा रहता है। और देखिए सरारा लगे हुए हैं 200 रुपये की, देखिए सेल ऊपर लिखा हुआ है, कुर्ती वगैरह ट्राउज़र और
प्लेट वगैरह कितने अच्छे अच्छे से मिल जाता है। तो हमने पूरा नहीं रिकॉर्ड किया है, बस थोड़ा थोड़ा लेने में लग गए थे, तो कम ही ऐसे सामने से ही वीडियो बनाते गए और किसी का रेट नहीं पूछा था। जो उस पर रेट तो अब लिखे रहते हैं हर जगह के इमाल, और देखिए कंगन वगैरह लगे हैं। तो देखिए चूड़ी कितनी अच्छी 15 रुपये दर्जन मिल रही थी यहाँ, और यहाँ ये फास्ट फूड लगा हुआ है। तो उधर से हम लोग निकल आए थे, और अब जाने के जहाँ हम लोगों की गाड़ी लगी है तो वहीं पहुँचेंगे। तो थोड़ा यहाँ भी लगा था मेला, तो यहाँ से मैंने थोड़ा वीडियो बना लिया था, अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। तो वहीं सब चीज़ लगी हुई है, कुर्ती वगैरह, चूड़ी, कंगन, और देखिए बहुत अच्छा, मतलब कंगन और चूड़ी ज़्यादा लगी रहती हैं। कपड़े देखिए कितने सुंदर कपड़े, और सेल के लिखे रहते हैं कि हर माल इतने का है और इतने का है, तो रेट तो इनका लिखा ही रहता है। तो अभी अंदर आप लोगों को दिखाएंगे। कंगन चूड़ी वगैरह बहुत सुंदर सुंदर थे। तो और देखिए पहुंच गए हैं अंदर मेले में, इधर साइड में थोड़ा ही लगा था। तो ये देखिए हर माल 5 रुपये का था यहाँ, तो देखिए 5 रुपये में कोई सा भी सामान मिल जाएगा आपको। देखिए लिखा है हर माल 5 रुपये में। तो देखिए सुंदर सुंदर से छोटे बच्चों की चिमटी वगैरह, ये अभी चल रहे ना मोती वगैरह, ये बहुत अच्छे पहले चलते थे, अब फिर से यही आ गया है ट्रेंड। और देखिए यहाँ से मैंने 3-4 सामान लिए थे। तो अंदर जाओ, जब मेले में कुछ लेना भी नहीं होता है तब अंदर देखने से मन करता है ये ले लें वो ले लें। तो देखिए और अंदर मुझे थोड़ा यहाँ वीडियो बनाना था इसलिए इधर आए। तो देखिए लगा हुआ है पूरा सेल, कंगन वगैरह, ट्राउजर, और ये देखिए लड्डू गोपाल के कपड़े कितने सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे देखिए लड्डू गोपाल के। और अंदर तक आप लोगों को यहाँ ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि, और ये देखिए कंगन लगे हुए हैं, हर कोई सा भी कंगन लीजिए 50 रुपये में, और एक कप गिलास वगैरह लगे हुए हैं तो ये भी 50 और 80 रुपये के छः। चाइना वाले होते हैं वो 80 रुपये के छः, और जो छोटे वाले वो 50 रुपये के छः। तो देखिए और इधर जी 120 रुपये का हर माल 120 रुपये में। तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी, देखिए कंगन लगे हुए हैं, ऊपर वाले कंगन हैं ये 100 रुपये के 4 हैं देखिए लगे हुए हैं। हर जगह यही है, हमारे यहाँ भी मेला लगा था तो वहाँ भी इसी तरह से कंगन 100 रुपये में 4 थे, और ये नीचे रखे हैं जो 50 रुपये में, और जी वाले इस साइड हैं जो 30 रुपये में, और देखिए जो इस साइड भी लगे हुए हैं तो ये 100 रुपये के। तो देखिए हर ही रेट में हैं, 250, 300, 400, 500, जिसको जितना तक का लेना हो। ये देखिए लगे हुए हैं 100-100 रुपये में 4। तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर चूड़ी वगैरह कंगन बाहर से आते हैं ये लोग, बहुत सुंदर अच्छा। देखिए 50 रुपये वाला है नीचे वाला, और जो ऊपर लगे हुए हैं ये 100 रुपये, 250, 300, 400, सबका रेट अलग अलग था, एक रेट के नहीं थे। और ये देखिए झुमकी वगैरह ये भी कितने सुंदर सुंदर हैं, तो इसका भी रेट अलग अलग है, एक रेट का नहीं है। देखिए काफ़ी, देखिए बड़े वाले झुमके ये ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, सिल्वर वाले जो भी बहुत चल रहे हैं झुमके, और सोने का बहुत कम पहनते हैं लोग, बाग यही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए देखने में भी अच्छा और हो जाए तो कोई बोल रही है। और इधर ये लगा हुआ है देखिए हर माल 10 रुपये वाला है ये, और 5 रुपये वाला भी था, तो इधर का भी थोड़ा सा ही बन पाया है क्योंकि ऐसा लेने लगे तो फिर साफ से वीडियो नहीं बना पाया है। देखिए हिल गया है थोड़ा, उसके बाद देखिए आ गए हैं, अब जा रहे हैं घर, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया है। और देखिए सम्राट विराट भी यहाँ बैठ गए हैं, अपना जो गाड़ी वगैरह लाए हैं तो चलाने के लिए, देखिए किस तरह से अपना पीछे बैठ गए थे, तो उधर ही लेटे रहे, खेलते रहे आराम से। तो हम लोग जा रहे हैं, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर